गुड मॉर्निंग क्लास सेवन स्टूडेंट्स. टुडे इन दिस वीडियो आई विल टीच यू योर लेसन नंबर सिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन. नाउ ये वाला जो चैप्टर है ये भी एडजेक्टिव्स का ही एक पार्ट है, लेकिन ये डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन है एडजेक्टिव्स के अंदर. सो लेट्स स्टार्ट व्हाट दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट. नाउ एडजेक्टिव्स चेंज इन फॉर्म व्हेन दे शो कंपैरिजन. सो दे हैव थ्री डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन विच आर पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री. सो अब यहाँ पर बताया हुआ है कि एडजेक्टिव्स जो होते हैं वो भी अपनी फॉर्म जो है वो चेंज करते हैं. कब करते हैं? जब उनके अंदर तुलना होती है, व्हेन दे शो कंपैरिजन. सो बेसिकली देर आर थ्री डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, और थ्री डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन है पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज. एंड दीज थ्री डिग्रीज वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस इन आर वीडियो टूडे. सो पे अटेंशन. नाउ what is a positive degree? A positive degree, an adjective, is said to be in a positive degree when there is no comparison. For example, Ronak is a strong boy. Now, adjective positive degree में तब कहा जा सकता है जब कोई भी comparison ना हो, when there is no comparison. जब कभी भी हम कोई बात कर रहे हैं जिसमें कोई तुलना ना हो, हम किसी पर्टिकुलर के बारे में ही बात कर रहे हैं, उसी की अच्छाई या उसी की बुराई, लेकिन हम तुलना नहीं कर रहे हैं उसको किसी से भी, हम उसको कंपेयर नहीं कर रहे हैं. देखो एग्जांपल है, रौनक इज़ अ स्ट्रांग बॉय. तो स्ट्रांग हो गई यहाँ पर पॉजिटिव डिग्री जो है वो है स्ट्रांग. तो रौनक एक स्ट्रांग लड़का है. लेकिन अगर, क्योंकि यहाँ पर कोई तुलना नहीं है, अगर यहाँ पर तुलना होती तो क्या कहा जाता, लेकिन रजत उससे भी ज़्यादा स्ट्रांग है. तो बट रजत is stronger than Ronak. तो वो stronger जो हुआ ना वो comparative हो गया. But because there is no comparative, we are just talking about how Ronak is. So Ronak is a strong boy. We are just talking about Ronak here. A particular element ही discuss हो रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, positive degree. ठीक है, strong boy. तो strong is an adjective. But अगर यहाँ पर लगा दें but Rajat is stronger, तो वो क्या हो गया, comparative degree हो गया. तो जब कोई भी कंपैरिजन ना हो, इट्स वेरी इजी, वो क्या होगा, पॉजिटिव डिग्री. नाउ रिमेंबर, इट इज़ यूज्ड टू डिस्क्राइब अ सिंगल थिंग और अ पर्सन. ये बात ध्यान रखना, ये पॉजिटिव डिग्री जो है वो डिस्क्राइब करता है सिर्फ किसी सिंगल थिंग या पर्सन को. इट इज़ यूज्ड इन कंपैरिजन्स दैट आर एट द सेम लेवल. ये उन कंपैरिजन्स के लिए होता है जो एक ही लेवल पर होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आवर क्लास टीचर हैज़ एन एक्सपेंसिव मोबाइल. अब देखो, हमारे क्लास टीचर के पास में एक महंगा मोबाइल फ़ोन है. तो अब यहाँ पर बात हो रही है कंपैरिजन की. कैसे हो रही कंपैरिजन की, लेकिन वो सेम लेवल पर है, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट हमारी क्लास टीचर, आवर क्लास टीचर. नाउ देर आर अदर क्लास टीचर्स एज वेल, बट बिकॉज वी सेड, अगर यहाँ पर सिर्फ ऐसा होता, ही हैज़ एन एक्सपेंसिव मोबाइल, या फिर मिस्टर मेहता हैज़ एन एक्सपेंसिव मोबाइल, या फिर कोई भी नाम होता हैज़ एन एक्सपेंसिव मोबाइल, तो वो होता ओनली विदाउट अ कंपैरिजन. बट पॉजिटिव डिग्री के अंदर भी हम कंपैरेटिवली डिस्कस कर सकते हैं यहाँ पर बताया हुआ, बिकॉज वी आर यूजिंग कंपैरिजन्स दैट आर बेस्ड ऑन द सेम लेवल. क्योंकि ये क्या है कि सेम लेवल पर है, आवर क्लास टीचर हैज़ एन एक्सपेंसिव मोबाइल. अगर यही कंपैरिजन होता, अगर प्रॉपर कंपैरेटिव डिग्री होती तो मोर एक्सपेंसिव, या फिर सुपरलेटिव होती तो मोस्ट एक्सपेंसिव, विच वी आर गोइंग टू डिस्कस फर्दर इन आर वीडियोस. बट फॉर नाउ दिस इज इट. द क्लाइमेट ऑफ आगरा इज हॉट एज दैट ऑफ दिल्ली. नाउ दिस इज द कंपैरिजन हियर, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द क्लाइमेट ऑफ आगरा. क्योंकि आगरा का क्लाइमेट जो है वो गर्म है एज दैट ऑफ दिल्ली. तो ये क्या है कि ऐसे दूसरी सिटीज़ का भी हो सकता है, बट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट, राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट आगरा. ओके, ऑल्दो जो सी दिस पॉइंट हियर दैट इट इज़ यूज्ड इन कंपैरिजन दैट आर ऑफ सेम लेवल, इट इज़ नॉट मच ऑफ इम्पोर्टेंस. यू नीड टू अंडरस्टैंड द फैक्ट ओनली इन पॉजिटिव डिग्रीज दैट एन एडजेक्टिव इज सेड टू बी इन द पॉजिटिव डिग्री व्हेन देयर इज़ नो कंपैरिजन. दैट्स इट. जहाँ पर कोई कंपैरिजन ना हो तो वो एडजेक्टिव क्या होगा, पॉजिटिव डिग्री के अंदर होगा. जैसे कि रौनक इज़ ए स्ट्रॉन्ग बॉय, ठीक है, हीना इज़ अ ब्यूटिफुल गर्ल, कुछ भी हो सकता है, एटसेट्रा, राइट. नाउ लेट्स मूव टू द कंपैरेटिव डिग्री. An adjective is said to be in comparative degree when it is used to compare.
टू नाउन्स और प्रोनाउन्स. नाउन और प्रोनाउन एक ही बात है, बट नाउन को हम प्रोनाउन में चेंज करके लिखते हैं. तो एडजेक्टिव अगर कंपैरेटिव डिग्री में कब होगा, जब हम कंपेयर करेंगे, जब हम तुलना करेंगे किसी भी नाउन की या किसी भी प्रोनाउन की. नाउन कैन बी एनी नेम, ठीक है. उसी तरह से प्रोनाउन जो है वो नाउन को रिप्लेस करता है, इसलिए हमेशा नाउन के साथ प्रोनाउन का यूज़ होता है. सो इट इज़ यूज टू कंपेयर टू नाउन्स और प्रोनाउन्स. एग्जाम्पल क्या है, इंडियंस आर टॉलर दैन जैपनीज. देखो टॉलर, अगर यहाँ पर सिर्फ ऐसा लिखा हुआ आता कि ही इज़ टॉल या रोहित इज़ टॉल, तो वहाँ पर कोई बिकॉज वो क्या है कि डिस्क्राइब कर रहा है सिर्फ सिंगल थिंग और पर्सन को, सिंगल पर्सन को डिस्क्राइब कर रहा है. रोहित इज़ टॉल, दिस बिल्डिंग इज़ टॉल, बट दिस द अदर बिल्डिंग इज़ टॉलर दैन दिस बिल्डिंग, तो वो क्या हो गया, वो कंपेरिजन हो गया. बट जब हम सिर्फ कह रहे हैं कि दिस बिल्डिंग इज़ टॉल, ठीक है, तो वहां पर कोई कंपैरिजन नहीं है, तो वो हो गया कौन सा, पॉजिटिव डिग्री. लेकिन जहां पर कंपैरिजन है, फॉर एग्जांपल इंडियंस आर टॉलर देन जापानीज, तो यहां पर कंपैरिजन दो जनों के बीच में हो रहा है, एक इंडियंस और जापानीज. तो ये दोनों नाउन है, इंडियंस और जापानीज और टॉलर देन. तो ये ध्यान रखना कि कंपैरेटिव डिग्री जो होती है वो ऑलवेज फॉलो की जाती है देन के साथ में. टॉलर देन द जैपनीज. नाउ सुपरलेटिव डिग्री, एन एडजेक्टिव इज इन सुपरलेटिव डिग्री व्हेन अ कंपैरिजन इज मेड अमंग टू और मोर नाउन्स. देखो एडजेक्टिव सुपरलेटिव डिग्री में कब होता है, जब कंपैरिजन की जाती है मेड अमंग टू, दो या दो से ज़्यादा नाउन के साथ में जब कंपैरिजन किया जाता है तब जो है एडजेक्टिव सुपरलेटिव डिग्री में होता है. जैसे कि डायमंड इज द कॉस्टलीस्ट ऑफ ऑल द जेम्स, मतलब जितने भी स्वर्ण हैं, मतलब जितने भी जेम्स हैं, ठीक है, जेम्स का मतलब क्या हो गया, जो भी मूल्यवान वस्तु हो गई, फॉर एग्जांपल गोल्ड, सिल्वर, ओके, प्लैटिनम एट्सेट्रा. लेकिन डायमंड जो है वो उन सबसे ज़्यादा कॉस्टलीस्ट है, कॉस्टलीस्ट ऑफ ऑल. जैसे अगर मैं कहूँगा कि ऋतिक इज़ द मोस्ट हैंडसम अमंग द बॉलीवुड एक्टर्स, ऋतिक इज़ द मोस्ट हैंडसम, तो मोस्ट हैंडसम में अमंग द अदर एक्टर्स के अंदर दो से ज़्यादा आ गए कि नहीं आ गए, आ गए ऑब्वियसली. तो सुपरलेटिव तभी होता है जब दो से ज़्यादा से किसी की तुलना की जा रही होगी. दैट ही इज़ द टॉलेस्ट इन योर क्लास, या फिर यू भी कह सकते हैं कि ही इज़ द टॉलेस्ट अमंग द टू, अमंग द थ्री, तीनों में से ये सबसे ज़्यादा टॉलेस्ट है. तो मतलब दो या दो से ज़्यादा नाउन्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं, ठीक है ना, तब वो एडजेक्टिव क्या होगा, सुपरलेटिव डिग्री के अंदर होगा. रिमेंबर वन थिंग और पर्सन इज सिंगल्ड आउट इन अ कंपैरिजन दैट इन्वॉल्व सेवरल थिंग्स और पर्सन. देखो वन थिंग, एक चीज़ या कोई भी एक पर्सन इज सिंगल्ड आउट इन अ कंपैरिजन दैट इन्वॉल्व सेवरल थिंग्स और पर्सन. क्योंकि यहाँ पर सिंगल्ड आउट मतलब अलग हो जाता है, अलग क्या है, यहाँ पर डायमंड हो गया, क्योंकि अब डायमंड इज द कॉस्टलीस्ट, ऋतिक इज द मोस्ट हैंडसम, तो ऋतिक सबसे अलग हो गया, सिंगल्ड आउट हो गया, ठीक है. मोस्ट हैंडसम इज ऋतिक अकॉर्डिंग टू अ सर्टेन सर्वे, कुछ भी हो सकता है. तो दिस इज इट, इन्वॉल्व्स सेवरल थिंग्स और पर्सन्स. ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज जस्ट द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, एंड वील डू द नेक्स्ट पार्ट इन आर नेक्स्ट वीडियो. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग.